आप भी इसी लायनेस की तरह हो, आपके सामने भी आपकी जिंदगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती जा रही है। कुछ अपॉर्चुनिटीज बड़ी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोटी है। आप सोच रहे हो हाँ आपको करना है, हाँ आपको आगे बढ़ना है, हाँ आपको लाइफ में चेंज लाना है, पर बैठ गए ऐसे। ऐसे ही बैठ जाओगे तो कैसे होगा? अगर आपको जिंदगी में चेंज लाना है तो आपको उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही देखते जाओगे तो देखते ही रह जाओगे। अगर कुछ करना है, आपकी जिंदगी में चेंज लाना है, आगे बढ़ना है, तो कूद जाओ मेरे दोस्त, देखो मत, आड़ पार कर दो। अगर जिद नहीं लाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जिद होनी चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए, वरना होगा क्या? होगा ये, आपके पीछे से कोई आएगा और आके आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से ले जाएगा और आप बैठ के देखते ही रहोगे। देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अगर आगे बढ़ना है तो आड़िया पार ऐसे ही लाइन की तरह जाना पड़ेगा, और कुछ कर दिखाना है तो जिद लानी पड़ेगी, वरना लोग आगे बढ़ते जाएंगे और तुम ऐसे ही बैठ के देखते जाओगे। अगर कुछ करना है तो स्ट्रेंथ लाओ, सोचो मत, कुछ करके दिखाओ। अगर बैठे रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो कैपिटल नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं तो पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करोगे आप? आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ करना है तो उठो और कुछ करके दिखाओ मेरे दोस्तों।